हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस या फिर फंडामेंटल ऑफ सिविक्स। हमने कोर्स चला रखा है फंडामेंटल ऑफ सिविक्स। सिविक्स में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए जो हमें हर क्लास में काम आती हैं। तो अब तक हमने लगभग 9 लेक्चर बना लिए। तो आज का जो हमारा फंडामेंटल ऑफ सिविक्स का लेक्चर नंबर 10, धीरे धीरे करके हम इसको एक पूरा कोर्स बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राज्यसभा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा, मस्ट वॉच दैट लेक्चर, उसको आपको ज़रूर देखना है। लिंक मैं हर लेक्चर में आपको दे रहा हूँ, जितने भी लेक्चर में बना रहा हूँ उसमें जितने भी प्रीवियस लेक्चर अब तक मैंने बनाए हैं सबकी लिंक उसमें मिल जाएगी। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो पहली बात तो बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब जिसमें दो हाउसेस हैं, पहला हाउस है लोकसभा और दूसरा हाउस है राज्यसभा। लोकसभा मैंने कल बता दिया, आज हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में अगर कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें अगर जाने तो पहली बात तो ये ध्यान रखना ये हमारा सेकेंड हाउस है। जैसे मैंने बोला था कि लोकसभा हमारा फर्स्ट हाउस है तो राज्यसभा हमारा कैसा हाउस है, सेकेंड हाउस है। लोकसभा के बारे में मैंने बताया था कि उसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, तो राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। तो ध्यान देना इसका दूसरा नाम क्या है, अपर हाउस। फिर मैंने बोला था लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ प्यूपल या हाउस ऑफ कॉमन्स, तो इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ध्यान देना राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर भेजती हैं, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में तीन चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है हमारा परमानेंट हाउस। कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है, मतलब क्या है, इसको कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, नेवर डिजॉल्व, जो कभी क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। मैं लोकसभा के बारे में बताया था कि लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो पार्लियामेंट में लोकसभा के खिलाफ, ठीक है, या हमारी जो संसद है लोकसभा जो भी मतलब गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, लोकसभा को डिजॉल्व करना पड़ता है। लोकसभा को डिजॉल्व करने की जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को सजेस्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होती, ये हाउस जो है हमारा परमानेंट हाउस है। तो ये दो चार चीज़ें हमारी क्या होगी, बेसिक होगी, जो हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखना। और अगर हम पावर्स की बात करें कि किसके पास पावर ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना इसके पास जो पावर होती हैं वो कम होती हैं, लेस पावर। किसके कंपेरिजन में, कंपेयर अगर हम लोकसभा से कंपेयर करें तो उसकी तुलना में इसके पास जो पावर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कम पावर्स होती हैं। तो ये दो चार पॉइंट हो गए हमारे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा जो है सेकंड हाउस है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, राज्यसभा कैसा है, परमानेंट हाउस है, या हम कह सकते हैं इसको स्टेबल हाउस। कैसा हाउस है, स्टेबल हाउस है, जो कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें जानकारी हो गई। दूसरा, अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, किसकी बात करें, कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ध्यान देना राज्यसभा में मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना राज्यसभा में है टोटल 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। मतलब 238 का तो क्या होगा, इलेक्शन होगा, और इनका इलेक्शन जो होता है वो कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हर स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर के जो हाउस जो मेंबर्स होते हैं एमएलए जनरली जो होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन में, मतलब जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। मैं इलेक्शन के बारे में पहले बता चुका हूँ, डायरेक्ट इलेक्शन में जनता खुद वोट डालती है और रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, यहाँ पर हम नहीं डालते मगर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 238 मेंबर कैसे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर्स कैसे होते हैं, ये 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और नॉमिनेट कौन करता है इनको, इनको नॉमिनेट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ये इलेक्ट होके कौन कहाँ कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरेटरी, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरेटरी से यहाँ पे आते हैं, या स्टेट और यूनियन टेरेटरी के जो मतलब मेंबर्स हैं अपने अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को कहाँ पर भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड है, ध्यान देना इनको कौन नॉमिनेट करता है, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, और किस किस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, कोई आर्ट में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई लिटरेचर में हो सकता है, कोई सोशल साइंस में एक्सपर्ट हो सकता है,
या सोशल सर्विसेज, उसमें एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्स आपने देखा होगा राज्यसभा में स्पोर्ट्स में से भी मेंबर जाते हैं, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है, वो कहाँ से गया है, स्पोर्ट्स से गया है। तो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अगर अगर हमारे प्रेसिडेंट चाहें तो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। साइंस में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उनको भी क्या किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, राज्यसभा में जो टोटल मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर है 250 है, जिसमें से 238 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता। और इन कहाँ कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स साइंस, इन सब फील्डों में से इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। अब अगर हम बात करें, वैसे तो मैं बता चुका हूँ इलेक्शन की, अगर इसके की बात करें तो मैंने बताया था इसका जो इलेक्शन होता है वो कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट। पार्टिसिपेट कौन करता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर किसको भेजते हैं, राज्यसभा में अपने अपने मेंबर्स भेजेंगे। हर स्टेट से राज्यसभा में अपने अपने मेंबर्स आते हैं। जनरली हर स्टेट का अलग अलग वो रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब इसके बारे में बात करें टर्म की, किसकी बात करें कि इसका टर्म कितना होता है, या जिसको हम बोलते हैं टेन्यूर। राज्यसभा का अगर मान लो कोई मेंबर बन गया, पहली चीज़ तो ये ध्यान देना, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कहलाते हैं एमपी। क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। और एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टेन्यूर होता है वो होता है 6 ईयर। कितना होता है, 6 साल। और एक खास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्यसभा का जो टेन्यूर है 6 साल होता है, मगर हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और नए और उनकी जगह पर क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं, उनकी जगह पर भाई रिटायर हो रहे हैं तो नए आएंगे, तो नए मेंबर हर 2 साल, मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और 1/3 मेंबर ही क्या हो जाएंगे, 1/3 मेंबर ही आपके नए इलेक्शन होके वापस आ जाएंगे। तो हर 2 साल में इसका क्या होता रहता है, 1/3 मेंबर रिटायर, इलेक्शन है, फिर इलेक्शन होंगे, 1/3 मेंबर नए आ जाएंगे। तो कभी भी ये क्या है, डिजॉल्व नहीं होता, परमानेंट प्रोसीजर है, परमानेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके ऑफिसर्स की बात करें, किसकी बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, तो ऑफिसर्स में यहां पे 2 आते हैं। एक तो आता है आपका चेयरमैन, एक तो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके डिप्टी चेयरमैन। कौन होंगे, डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट होंगे। कौन होंगे, हमारे देश का जो भी 22 प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो अपना जो 22 प्रेसिडेंट होता है उसके बारे में बोलते हैं कि 22 प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, किसका, राज्यसभा का। ध्यान देना, राज्यसभा में जो मतलब चेयरमैन बन रहा है वो कौन बन रहा है, 22 प्रेसिडेंट। तो 22 प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं कि 22 प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या, उसकी पहली वाली ऑफिस कौन सी है, 22 प्रेसिडेंट की जो पहली ऑफिस है वो कौन सी है, 22 प्रेसिडेंट वाली। 22 प्रेसिडेंट क्या हुई, एक पोस्ट होगी। तो जो भी व्यक्ति 22 प्रेसिडेंट बनेगा, 22 प्रेसिडेंट होने के नाते वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसकी पहली वाली ऑफिस कौन सी होगी, 22 प्रेसिडेंट वाली। ठीक है, इसलिए 22 प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं। दूसरी चीज, अब 22 प्रेसिडेंट का टेन्यूर कितना होता है, 22 प्रेसिडेंट का टेन्यूर होता है 5 साल। इसलिए जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसका टेन्यूर भी कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। राज्यसभा का चेयरमैन भी कितना, टेन्यूर कितना हो जाएगा, 5 साल। और डिप्टी चेयरमैन जो है, अब राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट होके आए उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, डिप्टी चेयरमैन। अब डिप्टी चेयरमैन कौन है, राज्यसभा का मेंबर है, और राज्यसभा का टेन्यूर कितना है, 6 साल। तो डिप्टी चेयरमैन का टेन्यूर भी कितना हो जाएगा, 6 साल। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कन्फ्यूजन हो जाता है, चेयरमैन का टेन्यूर होता है 5 साल, डिप्टी चेयरमैन का होता है 6 साल। तो और जब अगर मान लो चेयरमैन ना हो और राज्यसभा की कार्रवाई करनी है, हाउस को ऑपरेट करना है, तो उसको कौन संभालता है, डिप्टी चेयरमैन संभालता है। तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक बेसिक सी जानकारी है। तो इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया, राज्यसभा इसको हम सेकंड हाउस बोलते हैं। ठीक है, आपको बताइए, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है तो राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा अगर फर्स्ट हाउस है तो राज्यसभा सेकेंड हाउस है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ प्यूपल बोलते हैं, तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं।
राज्यसभा कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये परमानेंट स्टेबल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हर 2 साल में मेंबर 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। राज्यसभा का टेन्यूर कितना होता है? 6 साल होता है। राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वाला सिस्टम क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स को इलेक्ट करने की जो पावर है वो किसके पास है? हर स्टेट असेंबली, जो स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो इनको इलेक्ट करके भेजता है। मेंबर टोटल 250 होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर कहाँ से आते हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और लोकसभा में ये नॉमिनेट करने कितने थे? प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। यहाँ पर कहाँ कहाँ से कर रहे हैं ये? आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स साइंस, इन सारे फील्ड से कोई स्पेशल अगर किसी व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। 2 ऑफिसर्स होते हैं, पहला ऑफिसर होता है चेयरमैन और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। तो चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा ध्यान रखना, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति। और आज की डेट में उपराष्ट्रपति है हमारे एम वेंकैया नायडू जी। तो एम वेंकैया नायडू जब राज्यसभा चलती है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं, और जब नहीं चलती है तो आपको पता है फिर वाइस प्रेसिडेंट की तरह तो वो काम करते ही हैं। और चेयरमैन का टेन्यूर कितना होता है? 5 साल। क्यों होता है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्यूर कितना है? 5 साल। और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के किसी कोई एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का टेन्यूर होता है 6 साल। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो ये दोनों लेक्चर मैंने बता दिए, पिछले में लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा, तो कंपेरिजन बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार 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 चीज़ें कंपेयर भी कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राज्यसभा वाला लेक्चर भी फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने व्यू बता सकते हैं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक